हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे। खुशखबरी बता दूं जो कि हमारे लिए भी और आप सबके लिए, अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले हमने एक कैनन का एक DSLR कैमरा लिया है, आज उसी के बारे में अनबॉक्सिंग करेंगे। ये रहा हमारा कैमरा कैनन EOS 1500D, जिसको अभी हमने फिलहाल कुछ दिन पहले खरीदा है, आज हम इसी के बारे में अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम DSLR कैमरे में बेसिक कैमरे कैनन 1500D की अनबॉक्सिंग करेंगे और हम इसको देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ऐसे ही ऊपर से कि ये हमारा कवर है, बॉक्स है कैनन 1500D का। तो कैनन 1500D आप देखेंगे यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, और कैनन 1500D यहाँ पे दो लेंसेज मिलते हैं आपको, 1855 का और एक 55-250 mm का। इसके अलावा जो कैमरे में, दोस्तों एक बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। 24.1 मेगापिक्सल का HD क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है, और इसका ISO जो दिया हुआ है वो 6400 मैक्सिमम दिया हुआ है, और अब वाईफाई कनेक्टेड हमारा कैमरा है। इसके बाद जैसे हम इसको ओपन करते हैं, चलिए ओपन करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन चीज मिलता है। सबसे पहली चीज इसका वर्कशॉप के लिए, जिसको आप कैमरा लेने के बाद आप इसकी वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद ये होता है वारंटी कार्ड, जहां से हमने खरीदा हुआ है, अब इसके लिए वारंटी कार्ड होती है। इसमें आप देखेंगे एक चीज, इस कैमरे में यहाँ पे कैमरे की जो वारंटी है, 2 साल की वारंटी दिया हुआ है इस कैमरे में। और इसके बाद ये हमको एक गाइडलाइन, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक मिल जाती है, जिससे हम लोग कैमरे की सेटिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको जब ओपन करेंगे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, तो अभी मैंने इसको लिए कुछ सेटिंग कर दिया हुआ है। तो कैमरे का चार्जर मिलता है, जो कि कैमरे के साथ साथ एक चार्जर मिलता है। और इसके बाद जो कैमरा खरीदा गया था, कैमरे की रसीद। अब इसके अंदर गत आपको 2 1855 के 2 लेंसेज मिलेंगे, और एक 1855 का और एक ये लेंस मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको एक बैग मिलता है, और बैग के अलावा, चलिए दोस्तों हम अब इसके बाद तो आपको इस तरह से कैमरा मिल जाएगा, और कैमरे को आप यूज कैसे करेंगे चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए कैमरे में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कैमरा पहली बार यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैनन का मॉडल है, EOS 1500D का ये मॉडल है हमारा। और बाकी कैमरे में और इस कैमरे में थोड़ा सा अंतर ये देखेंगे, किस रोटेशन में खींचना चाहते हैं, मैनुअल फोटो लेना चाहते हैं कि जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस से जूम होगा और इससे जूम इन जूम आउट के लिए होता है। तो चलिए हम एक लेंस लगा के चेक कर लेते हैं कैमरे को। ये 1855 का, ये जो आप देख रहे हैं 1855 mm का लेंस है। सबसे पहले हम इस लेंस को यूज करते हैं और देखते हैं। चलिए अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, तो इसके लिए मैं आपको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम थोड़ी दूर रख लेते हैं, और इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अच्छी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एक वाइट पॉइंट बना हुआ है, और इसमें भी एक वाइट पॉइंट दिया होगा, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे रखने के बाद ये जो बटन है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक बटन, इस बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे इसको रखने के बाद ऐसे इसको ऐसे घुमा देंगे, और ये जैसे कट से आवाज आएगी, मतलब हमारा कैमरा फिट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये हमारा हो गया कैमरा। अब हम जैसे ही कैमरे को यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक मोड में रखा हूँ। अगर आप पहली बार कैमरे को यूज कर रहे हैं और बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप हमेशा ऑटोमेटिक में ही यूज करें। कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है माइनस जैसा, ये हमारा इंडिकेट करता है, अभी मैं इस पर कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक है। आप किस एंगल में फोटो खींचना चाहते हैं, टीवी पे, तो इस हिसाब से अपने इसको सेट कर सकते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, हम एक फोटो को ओपन क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ हमारा ये ऑटो फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटो फोकस आप स्टेबलाइजेशन इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो चलिए हम एक काम करते हैं थोड़ा सा कैमरे को, तो इसमें ये फोकस मोड दिया हुआ है, जब भी ये हमारा जूम इन और जूम आउट के लिए दिया हुआ है,
इसके अलावा इसमें हम चलिए जब फोटो खींचेंगे तो ये हमारा जो बटन यहाँ पे ये पावर ये बटन दिया हुआ है, इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे तो फोटो खींच जाएगी। अब क्या करना है, ये ऑटो फोकस हम यहाँ पे सेटिंग किए हुए हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम फोटो खींचते हैं तो जैसे ही अंधेरा रहेगा तो ये ऑटोमेटिक फोकस ऑन हो जाएगा, और नहीं ऑन होता है तो यहाँ पे फोकस ऑन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन और ऑफ करने का, आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक फोटो खींच के चेक कर लेते हैं। जैसे ही फोटो खींच रहे हैं अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक फोटो ले लेते हैं। अब जैसे ही फोटो खींचे हमारा गायब हो गया, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे ये व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको चाहे तो जूम कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आप इससे आसानी से वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको बस करना क्या होगा कि इसको ऐसे रोटेट करें और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको ये वीडियो का ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे बस केवल एक वीडियो बटन का ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे ही बटन को दबाएंगे आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। चलिए तो हम प्रेस कर लेते हैं। जैसे ही प्रेस कर देंगे ये वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सा इसको जूम इन और जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, जैसे इसको हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद अब हम यहाँ से इसको प्ले कर लेते हैं। यहाँ से इसको प्ले करेंगे, देखिए चल रहा है हमारा। ऐसे हम जूम इन जूम आउट करने का, इसको हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। फिर इसको यहाँ से हम बैक कर लेंगे। दोस्तों फिर मोड चेंज करना हो तो आप यहाँ से ऑटो ये मोड आराम से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक कर दें।